यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 लिया हुआ है, उसमें सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन, 7√5 इज इरेशनल, 7√5 इज इरेशनल। अगेन वही का वही रिपीट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैं क्या सपोज कर लूंगा यहाँ पर, लेट बी एक्स इक्वल टू 7√5, एक्स इक्वल टू 7√5 इज रैशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैंने इसका ऑपोजिट सपोज कर लिया, इरेशनल में प्रूव करना है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो एक्स इक्वल टू 7√5 को मैंने क्या ले लिया, रेशनल ले लिया। ठीक है, अब बेटा मैंने जिस तरह आपको बताया कि रूट फाइव जो स्क्वायर रूट वाले डिजिट है उसको अकेला रख देना, तो आप यहाँ पे एक्स अपॉन 7 इक्वल टू रूट फाइव, राइट, रूट फाइव। और बेटा ये कौन से फॉर्म में होगा, एक्स x is in the form of p upon q, rational है इसलिए p upon q form में, q is not equal to 0, q is not equal to 0, right? अब p upon q form में 7 rational है, इसी rational number से उसको denominator से divide करो तो क्या होगा, वो rational number ही answer देगा। सारी properties यहाँ पे आपको rational number की पता होनी चाहिए, कोई भी रेशनल नंबर को आप बेटा रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो बेटा यहाँ पर x अपॉन 7 भी क्या हुआ, x अपॉन 7 इज रेशनल, x अपॉन 7 इज रेशनल, x अपॉन 7 रेशनल है तो रूट फाइव को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल, रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल। गुड, हमें पता है, हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन वन में ही हमने प्रूव कर लिया है रूट फाइव तो क्या हमने प्रूव किया है, इरेशनल नंबर। तो बट रूट फाइव वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल, रूट फाइव तो क्या है, इरेशनल, रूट फाइव इरेशनल है। तो एक्स पी क्या होगा, एक्स अपॉन 7 इरेशनल, एक्स अपॉन 7 इरेशनल है, तो जो हमें x सपोज किया है वो नंबर भी क्या होगा, मतलब 7√5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 7√5 इज इरेशनल, 7√5 इज इरेशनल। बट यहां पर भी थर्ड नंबर में भी इसी तरह सॉल्व करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पहले अप्लाई करो, x इक्वल टू लेट बी x इक्वल टू 6√2 इज रेशनल। रेशनल दिया है मतलब x इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, x की जगह वैल्यू पुट कर दो 6√2 इक्वल टू p अपॉन q। बेटा अब रूट वाले डिजिट को इक्वल टू की कोई भी साइड अकेला कर देना, इक्वल टू की कोई भी साइड अकेला कर देना, तो मुझे प्लस 6 दूर करना पड़ेगा, √2 प्लस 6 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा, p अपॉन q माइनस सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बेटा देखो ये p अपन q रेशनल है, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होगा तो ये पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। रूट टू इज रेशनल, बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल बाय थ्योरम 1.4 से हमें क्या बताया, रूट टू तो इरेशनल है, रूट टू इरेशनल। बेटा इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर ऐड करो तो ऑलवेज आंसर वो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। तो हमारा एजम्पशन जो था रेशनल नंबर वो गलत प्रूव हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं 6√2 इज अ इरेशनल। अगेन एक बार रिपीट ले लेते हैं, 7√5 इज इरेशनल, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल की जगह क्या हम सपोज कर लेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0,
तो x अपॉन 7 रूट 5, रूट वाले डिजिट को मैंने क्या बोला है उसके बाद अकेला कर देना है, तो 7 दूर करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सामने जाएगा तो डिविजन फॉर्म में हो जाएगा, x अपॉन 7 इक्वल टू रूट 5, राइट। तो x कोई भी रेशन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही मायने रखेगी बेटा, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो गया, उसके इक्वल टू दूसरी साइड क्या है रूट फाइव, तो वो भी रेशनल नंबर हो गया। बट हमें पता है, हमने प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे यही समझ के चलना है कि हमने आगे प्रूव कर लिया है, क्वेश्चन वन में हमने रूट फाइव इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया था, तो रूट फाइव इज इरेशनल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से या इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो ऑलवेज आंसर क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। तो वी कैन से दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब यहां पर आते हैं 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पहले तो क्या कर लेना है, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में सपोज कर लेना है। अब रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म, where denominator is not equal to 0, that means q is not equal to 0, x equal to 6 plus root 2, 6 plus root 2 equal to p upon q, root वाले digit को अकेला कर देना है, तो root 2 यहाँ पे अकेला रखते हैं, plus 6 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा minus है। अब यहाँ पे भी closure property of subtraction rational number के लिए, rational number में से rational number को subtract कर तो always answer rational number ही देगा, तो ये rational number हो गया। तो ये रेशनल नंबर हो गया तो इक्वल टू भी दूसरी साइड जो रूट टू है वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, राइट। बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल बाय थ्योरम 1.4, ठीक। तो ये रूट टू इरेशनल हो गया, तो इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करो या इरेशनल नंबर ऐड करो ऑलवेज आंसर वो क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। तो रूट टू इरेशनल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल, ठीक है।